हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र जारी किया गया, मतलब घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, वो जारी किया गया है और इसको लेकर सभी लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, इन तीन जो पार्टियां हैं इनकी अभी चुनाव में टक्कर चल रही है, लेकिन शायद BSP अपना घोषणा पत्र कभी जारी नहीं करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी और भाजपा का, ठीक है, इन दोनों का संकल्प पत्र हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग देखेंगे। अभी BJP ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जैसे ही समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आएगा उसको भी हम लोग आपस में शेयर करेंगे और फिर उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि किसका घोषणा पत्र ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये घोषणा पत्र है, इसमें किसको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्मार्ट विद्यालय बनाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा है, 5 साल में हर परिवार से कम एक को रोजगार दिया जाएगा, ये इन्होंने अपने संकल्प पत्र में रखा है, ठीक। तीसरा पॉइंट है, उज्ज्वला योजना से होली दिवाली में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, मतलब एक होली में एक दिवाली में सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट है, कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी जाएगी। इसके बाद है, 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की करवाई जाएगी, ठीक है, 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी दी जाएगी छात्राओं को। नेक्स्ट है, लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, लव जिहाद अगर करेगा कोई तो उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी, ठीक है, सूबे में मेडिकल सीटें जितनी हैं उसकी डबल कर दी जाएंगी, ठीक। 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विधवा निराश्रित महिलाओं को 15,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, ठीक है, 15,000 नहीं, यहाँ पे 1500 होना चाहिए, सॉरी 1500 होगा, 1500 प्रतिमाह पेंशन, 1500। नेक्स्ट है, ठीक है, 10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे, मतलब रोजगार के लिए यहाँ पर 10 लाख के निवेश को यहाँ पर आकर्षित करेंगे और जब निवेश होगा तो फिर रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है, 6 मेगा फूड पार्क वितरित करेंगे, इसके अलावा विकसित करेंगे, सॉरी, गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान, गन्ना किसान काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनका भुगतान नहीं होता समय पर, तो उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 14 दिनों में भुगतान करेंगे। नेक्स्ट है, 5 साल में किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मतलब 5 साल तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 15 चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कही हैं और आप लोगों को कैसा लगा इनका जो घोषणा पत्र है, आपको कैसा लगा, क्योंकि घोषणा पत्र में तो कुछ भी कह दिया जाता है, फिर पूरा होता है या नहीं ये तो आगे देखने वाली बात होगी, और अभी सिर्फ BJP ने किया है, जब समाजवादी पार्टी मतलब SP करेगी तब उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।